देखो बच्चों, क्लास नाइन्थ के हिस्ट्री के फर्स्ट लेसन में द फ्रेंच रिवॉल्यूशन फर्स्ट चैप्टर है, तो आज इसी को स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन में रिवॉल्यूशन शब्द का क्या अर्थ है। रिवॉल्यूशन का हिंदी अर्थ होता है क्रांति। तो क्रांति या रिवॉल्यूशन का जो मतलब होता है, एक कंप्लीट चेंज इन मेथड। अब यहाँ पे जो कंप्लीट चेंज, कैसा चेंज? तो जब कोई चीज़ परिवर्तन अचानक हो, बहुत बड़ी मात्रा में हो, कंप्लीट चेंज का मतलब पूरी तरह से अमूल परिवर्तन। जैसे आप कोई ट्रेडिशनल म्यूजिक सुनते हो और वहाँ पर आपने जो म्यूजिक सुनने का ट्रेंड है आपने चेंज कर दिया अचानक, तो ये कहा जाएगा रिवॉल्यूशन इन म्यूजिक। आप कोई ड्रेस कोड पहनते हैं, आपका कोई ड्रेस सिस्टम है, आपने अचानक उसमें चेंज कर दिया, तो आप कहा जाएगा कि ड्रेस रिवॉल्यूशन इन ड्रेसिंग या जो है क्लोथिंग। तो यहाँ पर रिवॉल्यूशन का मतलब है अचानक और बड़ा परिवर्तन, एक कंप्लीट चेंज। अब जब हम यहाँ फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो चेंज है वो पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन है, यानी कि पॉलिटिकल चेंज है। तो पहले क्या था फ्रांस में? मोनार्की सिस्टम था, राजशाही पद्धति, यानी कि राजा होते थे और वो राज्य चलाते थे, उनके पास पूरा पावर होता था। अब पॉलिटिकल जो रिवॉल्यूशन हुआ उसमें कंप्लीट चेंज इन पॉलिटिकल सिस्टम, तो मोनार्की जो सिस्टम था राजशाही पद्धति उससे डेमोक्रेटिक हो गया। और ये कब हुआ? 14 जुलाई 1789 को फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, यानी ये जो पॉलिटिकल चेंज है ये 14 जुलाई 1789 को हुआ। लेकिन कोई भी चेंज अचानक जो होता है उसके पीछे कोई बैकग्राउंड होती है, कोई कारण होता है, कोई बड़ा रीजन होता है। और इसका कारण जानने के लिए हम पीछे जाएंगे इसके बैकग्राउंड में 15 ईयर्स बिफोर 1774 में। यानी यहाँ से देखिए, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ एक्चुअल में वो 14 जुलाई 1789 को हुआ, लेकिन इसका कारण जो स्टार्ट होता है वो 15 साल पहले हम जाएंगे 1774 में, तो हमें पता चलेगा कि क्यों रिवॉल्यूशन हुआ, ये जो मोनार्की सिस्टम था चेंज होकर डेमोक्रेटिक क्यों हो गया। इसके लिए हम देखेंगे 1774 में वहाँ का राजा जो था उसका नाम था लुईस 16, बर्बन फैमिली से था। जब राजा बना 1774 में तो 20 ईयर्स का था। उसकी पत्नी का नाम, रानी जो थी उसका नाम मैरिन एंटोनिटी थी। तो ये एक्चुअल इसका जो एज है 20 ईयर्स है लगभग, तो बहुत ज़्यादा मैच्योर नहीं था, बहुत ज़्यादा अनुभवी राजा नहीं था। और इसके सामने जैसे ही राजा बना, उसके सामने में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी वो खजाना खाली था, तो उसने टैक्स बढ़ाने की बात सोची। और यही कारण है रिवॉल्यूशन का। तो वाई रिवॉल्यूशन? रिवॉल्यूशन का मेन कारण था जो टैक्स बढ़ाना चाहता था, उसके लिए जनता तैयार नहीं थी, और उसने क्रांति कर दी, रिवॉल्यूशन कर दिया और राजा को हटा करके बाद में उसको फांसी भी दी गई, और फिर जो है वहाँ डेमोक्रेटिक हो गया सिस्टम। अब इस चीज़ को समझने के लिए कि इंक्रीजिंग जो टैक्स बढ़ाना था राजा को, ये क्यों ज़रूरी था, कौन से ऐसे कारण थे कि जिससे कि राजा को टैक्स बढ़ाना पड़ा, इस समझने के लिए इस चीज़ को हम वहाँ के जो सोशल सोशल जो है स्ट्रक्चर है उसको समझेंगे, और हम ये समझेंगे कि आखिर राजा के पास वो कौन से कारण थे जिसके वजह से वो टैक्स में बढ़ोतरी के बात सोचता है। तो यहाँ हम आते हैं वाई टैक्स इंक्रीजिंग। पहला, राजा के सामने जो प्रॉब्लम थी वार विथ ब्रिटेन, तो लगभग यहाँ पे 7 साल 7 ईयर जो है वार चला ब्रिटेन से फ्रांस का। और जानते हो वार जब भी होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है, और फ्रांस का बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हुआ। दूसरा कारण, हेल्प ऑफ 13 अमेरिकन कॉलोनीज अंडर ब्रिटेन। 13 अमेरिकन कॉलोनीज थी, छोटे छोटे पार्ट थे जो अमेरिका के थे और ब्रिटेन उस पर शासन कर रहा था, वो लोग इंडिपेंडेंस के लिए लड़ाई कर रहे थे। तो इससे फ्रांस को क्या फ़ायदा था? अभी हमने बताया ब्रिटेन से उसका 7 साल झगड़ा चला है, युद्ध हुआ है, वार हुआ है, तो ब्रिटेन को नीचा दिखाने के लिए वो अमेरिकन जो कॉलोनीज थी ब्रिटेन के अंडर में उसको हेल्प कर रहा था। इनकी नंबर ऑफ कॉलोनीज 13 थे। थर्ड जो कारण था, रिटर्न इंटरेस्ट ऑन लोन। ये वार की वजह से बहुत ज़्यादा लोन हो गया था फ्रांस के ऊपर, और उसके इंटरेस्ट हो रहे थे, उसको रिटर्न करना था। चौथा कारण है मेंटेनिंग आर्मी, कोर्ट और पैलेस। तो ये जो कोई भी राजा होता है अपनी आर्मी को मेंटेन करता रहता है लगातार, वार उससे हो ही चल रहा था तो इसमें मेंटेन करना ही था। कोर्ट का मतलब दरबार,
राजा अपने दरबार को मेंटेन कर रहा था और नया राजा था पैलेस को मेंटेन कर रहा था, क्योंकि नई नई शादी हुई थी तो उसको जो रहने की जगह है उसको अच्छा। और उस समय के राजा इस तरह से थे कि बहुत ज़्यादा कंफर्ट लाइफ जीना चाहते थे, लग्जरी लाइफ जीना चाहते थे, उनको प्रजा के दुख सुख से मतलब नहीं था। फिफ्थ यहाँ पे है मेंटेनिंग गवर्नमेंट ऑफिस ऑफिसेस और इन्वेस्ट्रीज, तो उसको गवर्नमेंट के जो और बाकी ऑफिसेस थे उनको मेंटेन करना था, इन्वेस्ट्री मेंटेन करना था। ये पांच ऐसे कारण थे जिसमें पैसा लगना था। और राजा कहीं नौकरी करने जाता नहीं, राजा क्या करता है जब उसके पास खर्चे ज़्यादा आते हैं तो टैक्स बढ़ाता है, और इसी के लिए वो टैक्स बढ़ाने का इंक्रीजिंग करने के लिए सोचा। और पहले से ही वहाँ पर जो ऐसी व्यवस्था थी कि जिसके वजह से जो टैक्स देने वाले लोग थे बहुत परेशान थे, तो उन्होंने राजा के इस डिसीजन को के खिलाफ जा करके बगावत कर दी। अब यहाँ देखिए, किंग डिसीजन जो था टैक्स इंक्रीजिंग का, टैक्स बढ़ने का, ये बिग प्रॉब्लम था। क्यों प्रॉब्लम था? क्योंकि टैक्स बढ़ाना आसान काम नहीं था। उस समय फ्रांस की सोसाइटी तीन भागों में बटी हुई थी। ये फर्स्ट स्टेट जिसे क्लेर्जी कहते हैं, सेकंड स्टेट नोबेल्टी कहते हैं, थर्ड स्टेट जो थर्ड स्टेट में बाकी लोग हैं आते हैं। तो इसमें देखो ध्यान से कैसे सोसाइटी ऑफ फ्रांस डिवाइड था। पहला जो क्लेर्जी था इसमें चर्च के लोग आते थे, प्रिस्ट थे, जो पुजारी अपने यहाँ जैसे पंडित जी होते हैं, पुरोहित होते हैं, या इस्लाम में मुस्लिम धर्म में जो मौलवी होते हैं उसी तरह से चर्च में प्रिस्ट होते हैं फादर, और उनके साथ में वहाँ काम करने वाले कर्मचारी, तो ये क्लेर्जी में आते थे, जो फर्स्ट स्टेट क्लेर्जी ग्रुप। सेकेंड ये नोबेल्टी है जिसमें राजा आता था, राजा की फैमिली आती थी और उसके मंत्री और नियरेस्ट जो थे ऑफिसर वो आते थे। और जो थर्ड स्टेट था उसमें बाकी लोग आते थे। कौन कौन आते थे? बिग और स्मॉल मर्चेंट, पीजेंट और आर्टिजन्स, लेबर, सर्वेंट, फार्मर, कोर्ट के ऑफिसर्स, लॉयर और टीचर। आप ध्यान से देखिए, ये दोनों जो थे क्लेर्जी और नोबेल्टी, ये टैक्स फ्री थे, नहीं देते थे टैक्स। तो टैक्स देता कौन था? यही जो थर्ड स्टेट के लोग हैं। और वहाँ पे यही गुस्से के कारण था, ये लोग जो आते थे ग्रुप थर्ड स्टेट में, मर्चेंट्स हैं, पीजेंट्स, आर्टिजन्स हैं, लेबर, सर्वेंट, फार्मर, कोर्ट ऑफिसर यानी दरबार के ऑफिसर जो मंत्री से नीचे होते थे, लॉयर्स थे, टीचर थे, ये लोग टैक्स देते थे। और इनका गुस्सा था कि हम ही लोग क्यों टैक्स दें, क्योंकि प्रॉपर्टी देखा जाए तो 90% प्रॉपर्टी इन दोनों के पास थी, क्लेर्जी और नोबेल्टी के पास 90%। देखो मैंने 90% लिखा है, और 10% जो प्रॉपर्टी थी इनके पास थी, लेकिन टैक्स इन्हीं को देना पड़ता था, थर्ड स्टेट को, फर्स्ट और सेकंड को नहीं। और इसी टैक्स को देने के विरोध में वहाँ पर ये जो क्रांति हुई इसका मुख्य कारण यही था। तो ये रिवोल्यूशन जो हुआ, फ्रेंच रिवोल्यूशन, इसका मुख्य कारण क्या था? ये थर्ड स्टेट वाले अब नहीं चाहते थे कि टैक्स दें, और ये जो इनको प्रिविलेज मिला हुआ था क्लेर्जी और नोबेल्टी को कि टैक्स नहीं दोगे, इसके वो खिलाफ थे, और इसीलिए उन्होंने बगावत कर दी। तो ये बगावत जो है या रिवोल्यूशन 14 जुलाई 1789 का हुआ। अब हम आते हैं कि ये बगावत के जो घटनाक्रम है यानी इवेंट्स कौन कौन से हुए उस समय और उसका क्या फर्क पड़ा, इस विषय के लिए हम आते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये